नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे गूगल फॉर्म्स में एक क्विज फॉर्म। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म्स डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने के लिए आप ब्राउजर ओपन कीजिए, google.com पे जाइए और साइन इन कीजिए अपने जीमेल आईडी से। उसके बाद आप टॉप राइट कॉर्नर में इस 9 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप गूगल फॉर्म्स डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद नया फॉर्म बनाने के लिए इस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक नाम देंगे। सो इस फॉर्म को हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन पेपर और डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं सब्जेक्ट का नाम साइंस। तो क्वेश्चन ऐड करने से पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में और सिलेक्ट करेंगे ये पहली ऑप्शन, मेक दिस ए क्विज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारी ऑप्शंस जो है हमें अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें कि अगली ऑप्शन है रिलीज मार्क्स की। तो इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आप जब सबमिट करेंगे तभी आपको मार्क्स रिलीज करने हैं या उसको बाद में रिव्यू करने के बाद आप इसको रिलीज करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन पे। इसमें अगली जो ऑप्शंस हैं वो है रिस्पॉन्डेंट सेटिंग्स। इसमें जब आप सबमिट करते हैं फॉर्म को तो वो आपको बताएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपने मिस किए हैं या करेक्ट कौन से हैं और हर एक क्वेश्चंस जो है कितने पॉइंट वैल्यूज का या कितने मार्क्स का है। नेक्स्ट आप सारे क्वेश्चंस की एक डिफॉल्ट जो मार्क्स पॉइंट वैल्यूज है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे क्वेश्चंस के आपके जो मार्क्स होंगे जो पॉइंट वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। उसके बाद है रिस्पॉन्सेज। इसमें क्या है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो आप जब अपने जो आंसर्स है वो सबमिट करेंगे तो आपको जो ईमेल आईडी है वो एंटर करना अनिवार्य होगा। सो मैं इसमें भी कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे जो है टिक कर रहा हूँ। तो चलिए अब सेटिंग्स के बाद शुरू करते हैं अपने फॉर्म को बनाना और वापस हम क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं नेम। इसमें क्या है, आपको स्टूडेंट को अपना नेम एंटर करना होगा और क्लिक करेंगे मल्टीपल चॉइस पे तो बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर पे और रिक्वायर्ड पे जो है वो टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो ऐड करने के लिए ये जो प्लस साइन है, सर्कल में एक प्लस साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। इसमें हम एंटर कर रहे हैं रोल नंबर और गूगल ने जो है शॉर्ट आंसर अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्स वैलिडेशन में हम जाएंगे। सो इसमें क्या है, हम नंबर सेलेक्ट करेंगे और नंबर में लेस देन करें। सो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 25 से ऊपर या 25 जो उसके ऊपर का नंबर इसमें एंटर करेगा तो उसको एरर आएगा। जो एरर मैसेज है वो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में डाल देंगे। तो जब भी कोई स्टूडेंट जो है गलत रोल नंबर एंटर करेगा तो ये एरर मैसेज जो है डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे और उसमें लिख देंगे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट और इसमें जो है हम मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम एंटर कर देंगे जो ऑप्शंस हैं हमारी। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम आंसर की पे क्लिक करेंगे इस पे और इसमें सबसे पहले एंटर कीजिए आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन रखना चाहते हैं और उसके बाद हम जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करेंगे। और ऐसे ही सेम प्रोसेस का यूज़ करके मैं 3 और क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद हम एंटर करेंगे हमारा 5th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इमेज एंटर करेंगे। सो सबसे पहले जो है क्वेश्चन हम एंटर करेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लैनेट और उसके बाद उसके साथ ही जो ये छोटा सा आइकन है इमेज का इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसमें क्या है, हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है हमारी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम इस वीडियो के लिए हम गूगल इमेजेस पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे सैटर्न। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस शो कर रहा है तो इसमें से मैं ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ इमेज को। उसके बाद ये ऑप्शंस एंटर करेंगे, रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे और आंसर की जो है इसमें ऐड करेंगे हम। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पेपर बना लिया है उसको जो इस आइकन से प्रीव्यू का आइकन है बना हुआ है, इससे आप प्रीव्यू को क्लिक करके अपने क्वेश्चन पेपर को प्रीव्यू कर सकते हैं। इसको सेंड करने के लिए आप क्लिक करेंगे सेंड पे
और यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस है, आप मेल कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो, या आप किसी कोड में इसको एम्बेड कर सकते हो। आप जब सबमिट करते हो आप व्यू कर सकते हो स्कोर को, तो इसमें आपका स्कोर भी आ जाएगा और जो आपने मिस किए हैं या करेक्ट किए हैं कितने मार्क्स बने हैं, आप सारा कुछ इसमें जो है देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।